नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज रतनपुर कॉलोनी वार्ड 50 में ओगढ़ आश्रम के समीप हो रही श्रीमद् भागवत कथा में अनिल शुक्ला वारसी पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश वर्तमान राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला का आगमन हुआ। मंगलमय से भागवत कथा वाचक महंत एवं श्रीकांत मिश्रा एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व सांसद अनिल वारसी एवं वर्तमान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का भव्य स्वागत एवं जोरदार तालियों से पब्लिक ने अपना सम्मान समर्पित किया। कानपुर नगर संवाददाता दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। ईश्वर जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, शासक है। जहाँ कहीं तेज है, जहाँ कहीं प्रकाश है, जहाँ कहीं सौंदर्य है, वहीं परमपिता परमेश्वर का वास है। ऐसे परमपिता परमेश्वर को आदर के अक्षर अभिनंदित करते हैं। हमारा गीता ग्रंथ जिसका एक एक श्लोक मंत्र के समान है, पढ़ने वाले पे निर्भर है किस भक्तिभाव से पढ़े। ऐसे उस महान ग्रंथ को भी पढ़ा मैं, आचार गद्दी में बैठे अनुराग नंदन जी को भी पढ़ा मैं, कमेटी परिवार के सभी सदस्यों का बहुत आभार है। लेकिन मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण का चरित्र चित्रण चल रहा है और ये कहा जाता है कि जब तक भगवान कृष्ण धरती पे रहे तब तक क्षीर सागर पे उनका स्थान खाली रहा, ये माना जाता है। भगवान कृष्ण